हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गार्डनिंग कॉर्नर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समर का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट कोरियोप्सिस के बारे में बताऊंगी। कोरियोप्सिस जो है वो एक पेरिनियल प्लांट है और इसकी दो वेराइटी होती है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। मेरा ये प्लांट जो है वो ड्वार्फ वेराइटी का है और इसमें डबल पिटल और सिंगल पिटल दोनों आते हैं। मेरा ये डबल पिटल का है और ये जो कोरियोप्सिस प्लांट है ये इजी टू ग्रो है। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है लगाने में या फिर इसकी केयर करने में। आराम से इसे आप एक बार लगा दीजिए, टाइम टाइम से पानी दीजिए, ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो प्लांट है इसे सीड से भी लगाया जाता है और इसके जो पुराने फूल होते हैं, देखिए जिनको कि मैं हटा रही हूँ, इनको हटा देने से ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और यदि आपको इनके सीड्स चाहिए तो आप इनके फ्लावर को सूखने दीजिए और सूखने के बाद फिर आप उन्हें कलेक्ट कर लीजिए और फिर जब इसका सीजन आए मार्च के महीने में आप इसे ग्रो कर सकते हैं आसानी से। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें एक प्लांट आपने इसका लगा दिया तो इसके साइड से नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो आप इसके साइड से एक कोई भी प्लांट निकाल लीजिए और अलग अलग जगह पर उन्हें फैला दीजिए। ये देखिए साइड से इसके निकले हुए हैं, है ना। मैंने एक प्लांट लगाया था और ये बढ़ के कितना ज़्यादा हो गया है ये देख रहे हैं आप। और इसे मैंने एक छोटे से प्लांटर में ही लगाया हुआ है और कितना सारा हो गया है, ये घना हो गया बिल्कुल। और सर्दियों में जो ये प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एकदम से ड्राई हो जाती हैं और तब इसे ट्रिमिंग कर देना चाहिए। और फिर से जैसे ही सर्दियाँ कम होने लगती हैं ये एकदम से ग्रो कर जाता है। और अब बात करते हैं सनलाइट की। तो गर्मियों में इसे 4 घंटे सुबह की धूप पर्याप्त होती है, दोपहर की तेज़ धूप से इस प्लांट को बचा के रखना होता है। और गर्मियों में इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो गर्मियों में इसे सुबह और शाम दो बार पानी देना पड़ता है। सर्दियों में तो ये सूख सा ही जाता है, तो सर्दी में आप इसे हफ्ते में कभी एक दिन पानी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसे लगाने के लिए आपको एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट कंपोस्ट और एक बार रेत की ज़रूरत होती है। अगर ये एक बार अच्छे से ग्रो कर जाता है तो इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की या फिर ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने कोरियोप्सिस प्लांट के बारे में ज़रूरी केयर टिप्स आपके साथ शेयर कर दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब